नीमच शहर में सर्द हवाएं और कड़कड़ाती ठंड में भी पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि नगरपालिका परिषद द्वारा शहर में अब दो दिन छोड़कर पानी वितरण किया जा रहा है, वो भी सिर्फ 30 मिनट, जिससे आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जब आज हमारी टीम ने शहर के मुख्य वार्डो में जायजा लेकर आमजनों से बात की तो उनका कहना है कि हम लोग अभी इस भरी ठंड में पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि नलों में पानी बहुत कम दिया जा रहा है, साथ ही दो दिन छोड़कर मात्र 30 मिनट पानी दे रहे हैं, उसमें प्रेशर नहीं आता है। ऐसे में हमें नहाने धोने तो ठीक, मगर पीने का पानी भी बराबर नहीं मिल रहा है। पानी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत करने के बाद भी नगरपालिका के जिम्मेदारों की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। नगरपालिका की अनसुनी और अनदेखी से हम लोगों को पानी की किल्लत से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों का कहना है कि हमारे वार्डो में पानी की शिकायत काफी आ रही है, इस बारे में हमने भी जलकर सभापति जायसवाल मैडम को अवगत कराया है। साथ ही इस बारे में जब हमारी टीम ने नगरपालिका अध्यक्ष चोपड़ा से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पानी को लेकर जैसे हम सब जानते हैं कि इस बार नीमच में अल्प वर्षा हुई है और जो एक नेचुरल जो पानी की बरसात होती है वो नहीं हो पाई, कुछ 20-25% ही बारिश हुई है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा पूरे साल पानी को चलाना है। जैसा हम जानते हैं कि अभी हड़किया काल में सिर्फ 4 फीट पानी बचा है। वैसे हमने पानी की व्यवस्था कर ली है, जो ठीकरिया बांध है वहाँ से हमारा एक अनुबंध हो गया है, कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने वो अनुबंध कर लिया है कि 5 MCM पानी हमें वहाँ से मिलेगा, ताकि हम जनता को पानी नियमित रूप से दे पाएँ, और वो अनुबंध होते ही हम पानी का काम टाइम वापस जो है पहले जैसा ही कर देंगे, 2 दिन की जगह 1 दिन छोड़ के पानी वापस दिया जाएगा। हाँ, वो तो क्या अभी क्या जाजू सागर डैम में पानी भी नहीं है, पानी कमी होने के कारण टाइम भी बढ़ा दिया या टाइम भी कम कर दिया और 2 दिन छोड़ के भी नल दे रहे हैं। काफ़ी इसमें वार्ड वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मेरे को भी कितने वार्ड वाले रोज़ रोज़ मतलब वो बोलते भी उनका पानी नहीं भर पाता। अब इसके लिए कि अभी बोला तो भी था, अभी मैडम से ही बात करी है, अब उन्होंने बोला अभी डैम में पानी नहीं है और देखते हैं थोड़े दिन बाद में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें इसका। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मतलब मेरे को यही आश्वासन दिया था मैडम से, उन्होंने बोला था कि अपन टैंकर और इनकी व्यवस्था करके ना सगरी सब वार्डवासियों को अपने पानी को अपना ये कमी नहीं आने देंगे, वो जल्दी सब व्यवस्था पूरी करेंगे। हमने वादा करा था कि नई पाइपलाइन योजना है, पैसे भी जमा कराए थे कि दूसरी बिल्डिंग का पानी जाएगा, वो नीचे ही नहीं आ रहा, बिना मशीन के मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा है, और उस वक्त लोगों से 4,000-4,000 रुपये इन ठेकेदारों ने लिए थे। नगर पालिका ने जो कंपनी के द्वारा ठेकेदार घोषित किए थे वो ठेकेदार किसी से 3,000 किसी से 3600 उन लोगों को जिनके कनेक्शन करे थे उनको पर्ची नहीं दी गई। क्या तो, कहेंगे पानी नहीं मिल, पानी नहीं मिल रहा है तो अभी तो सर्दी है, गर्मी में हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि पहले इसके लिए आगामी जो गर्मी के लिए हमें योजना बनाना पड़ेगी, और अभी जो नगर पालिका की टीम घूम रही है मोहल्लों में वाल लगाने के लिए, जब पानी डूब रहा है जब घूमना था, अभी तो वैसे ही 30 मिनट में अपन 25 मिनट पर पानी दे रहे हैं, घर तक पहुँचते पहुँचते 25 मिनट रहता है, वो जिन लोगों ने कनेक्शन पैसे दिए थे ठेकेदारों को उनको पर्ची नहीं, नगर पालिका की टीम परेशान कर रही कि वो पैसे जमा करो पर्ची कहाँ, जब तुमने जिस कंपनी के आदमियों को ठेकेदारों से नल कनेक्शन कराए थे पैसे उनसे वसूलो, पब्लिक डबल थोड़ी देगी पैसे। आपका कहना है कि लोग नगर पालिका जो है पैसे वसूलने आ रही है लेकिन नल में पानी देने के लिए तैयार? हाँ, पैसे वसूलने घर घर के लाओ, तुम्हारी पर्ची बताओ, अबे तुम्हारे जिस आदमी ठेकेदारों से तुमने कनेक्शन लगाया, उन्होंने कंपनी के वाल लगाए, नोजल लगवाए, तो अवैध कहाँ से होगा इनके नल, जब तुमने पैसे लिए उनके नोजल लगाए, जो नगर पालिका के ठेकेदारों ने नोजल लगाए, अवैध कैसे होगा, अब उन लोगों को पर्ची नहीं, जब तुम पर्ची मांग रहे हो पर नल में पानी नहीं दे रहे हो। क्या कहेंगे, जनता परेशान हो? जनता परेशान है, हम चाहते हैं कि कम, जब नीता हरिद्वा थी मैं खुद जलकल सभापति था, हमने पूरे नीमच में 100 हैंडपंप लगवाए थे, आगामी जल संकट देखते हुए सांसद भी इनका है, विधायक भी इनका है, नगर पालिका अध्यक्ष भी इनकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, जब तुम अगर MP में नीमच नगर पालिका भी कंगाल की दौर पर पैसा नहीं आ रहा है, अगर गर्मी में तो तय तय मची रहेगी, पार्षदों की मरण हाल होगी, भले BJP का हो या कांग्रेस का होगा, अगर पानी नहीं मिला तो अभी जो सर्दी है गर्मी में क्या हाल होगा। नगर पालिका द्वारा जो ये अभी 3 दिन में नल दिए जाने वाली जो सूचना अखबारों में पढ़ी मैंने, वो जो शहर में पानी की सप्लाई हो रही है बहुत नी के बराबर हो रही है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, कपड़े धोने और नहाने की बात तो बहुत अलग है, शहर में पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी अप्रैल मार्च में क्या स्थिति बनेगी, नगर पालिका के कर्मचारियों ने बैठ के कोई आगे की कोई रणनीति नहीं बनाई है,
नहीं कोई सक्षम कर्मचारी जो इस बात को सोचे कि शहर के आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। हमारा अड़क्या खाल डैम खाली है तो उसके बाद अपना ना क्या प्रयास करेंगे अप्रैल मई के अंदर। बड़ी बुरी स्थिति है, नलों में पानी नहीं है, सप्लाइयाँ बराबर हो नहीं रही है, 3 दिन में एक बार नल आ रहे हैं वो भी लोगों को पूर्ति नहीं हो पा रहा पानी। क्या नगर पालिका में जो कर्मचारी है ना, छाबड़ा जी जैसे इंजीनियर नहीं होने के कारण अक्षम जो कर्मचारी है उनको ये मालूम नहीं है कि शहर बढ़ चुका है, शहर चारों तरफ जो है जनसंख्या बढ़ी है। अब इस उस हिसाब से शहर में पानी की सप्लाई दे, शहर में कुएं जो हैं वो कब्जे में ले, जो प्राइवेट जगह कुएं हैं टैंकर चलाए जाएं, टैंकर चल नहीं रहे, पानी की आगे व्यवस्था क्या होगी, ये तो इन कर्मचारियों को सोचना है कि अभी तो जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल बाकी है। पानी पूर नहीं पड़ता, हमको टैंकर डलवाने पड़ते हैं, और अभी सर्दी में हम टैंकर डलवा रहे तो गर्मी में क्या होगा। हम 12-15 मेंबर हैं, पानी पूर नहीं पड़ता हमारे और हमको टैंकर डलवाने पड़ते हैं, और यहाँ आसपास कहीं कुआं भी नहीं है तो हम पानी भर लें, किसी की ट्यूबवेल भी नहीं है तो हम पानी भर लें, फिर पानी भरने कहाँ जाएंगे हम, कहीं ना कहीं गलती है वो तो गलती है। छोड़ के एक दिन ही और यहाँ सब गरीब बस्ती के लोग हैं, सब मतलब मजदूरी करने जाते हैं, अगर वो पानी में डलवाएंगे 300 रुपए का टैंकर आता है, खाएंगे कि पानी डलवाएंगे वो। सर 2 दिन छोड़ के नल दे रहे हैं, उसमें भी आधा घंटा भी नल नहीं चलता बराबर, और तो कम चलाता है, सही प्रेशर भी नहीं देता, और 10-15 मिनट अच्छे चलते हैं उसके बाद नल बंद कर देता है, और किसी के बर्तन है पानी भरने के किसी के नहीं है, तो हम कहाँ से वो डलवाएंगे टैंक, हमारी तो इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि हम टैंक डलवा लें, और हमारे इतने बर्तन भी नहीं है सर, सर पानी के लिए तो पानी इधर उधर भगना पड़ता है सर पानी के लिए, तो पानी के नल सही नहीं दे रहा, पहले एक दिन छोड़ के भी दे रहा था तो सही से पानी भरा हुआ था, अब नहीं भरा हुआ था सर। तो कुआ है ना हेडपम्प में, नल भी इतने कम आते हैं, मोटर है जिनके जो तो भले जिनके मोटर नहीं वो कैसे भरेंगे, अभी ये स्थिति तो गर्मी में क्या होगा बताओ, पानी की तो दिक्कत है ना यहाँ पे, कोई भी ऐसी नल मध्य मध्य आते हमारा पानी नहीं भरता है, फिर आपने इसकी शिकायत की थी पार्षद, कितने बार बोल दिया, बोले हाँ देंगे देंगे, देते ही नहीं है वो तो, अभी दो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे थे, आप 2 दिन छोड़ के नल कर देंगे, कितने बार घर में पानी नहीं है, अभी की सर्दी की स्थिति है, क्या कहेंगे। तो स्थिति तो भैया पानी कम ना, नल इतना तो दो कि अपन 2 जनों का मेम्बर का पानी बिना मोटर का तो भर सकता है ना, अभी मोटर जिनके है जिनके नहीं, जिनके मोटर नहीं वो कहाँ से भरेंगे, अभी ये स्थिति गर्मी में क्या होगा, गर्मी में तो ज़्यादा परेशानी है, दिन में नल आएंगे। हाँ यही प्रॉब्लम है। किस तरह से नल दिए जा रहे हैं? कम दिए जा रहे हैं, 2 दिन में दिए जा रहे हैं, इसलिए और है ना ठीक से दो ना नल, यूँ आधे घंटे भी नल नहीं है। क्या सर्दी में ये है तो फिर गर्मी में क्या होगा, हाँ यही तो दिक्कत है, खास तो कोई नहीं बैठे रहते और टैंकर डलवाते ये कि जब नल छोड़ता है जब तो थोड़ा तेज कर, जब थोड़ी देर बाद मंदा कर देता है, अभी ठंड में ऐसा मौसम पानी का हालत ही है तो गर्मी में क्या होएगी, कहाँ जाएंगे हम, हमारे कुआ ना बाबड़ी नहीं, अभी टैंकर 15 दिन पहले मैं टैंकर डलवाया, पानी का टैंकर डलवाया 300 रुपये का, अभी कभी तो ले लेते, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, बनी है तो बैठो बस। नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।